WFI के अध्यक्ष पद से हटाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह। IOA का फैसला 45 दिनों में होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन को आज 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच पहलवानों को देश भर के लोगों से समर्थन मिल रहा है। पहलवानों के धरने में किसानों और खापों के शामिल होने से उनके आंदोलन को मजबूती मिली है। इंडियन ओलंपिक संघ ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह सहित निवर्तमान पदाधिकारियों पर 13 मई को संघ की प्रस्तावित प्रशासनिक समारोह में हिस्सा लेने और आर्थिक कामकाज पर रोक लगा दी है। इंडियन ओलंपिक संघ का ये फैसला जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों के धरने के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। IOA के इस फैसले से साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह 13 मई 2023 से भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख नहीं रहे। WFI का चुनाव अमान्य IOA के इस फैसले को लेकर एक बयान जारी कर किया है। IOA ने अपने बयान में खेल मंत्रालय के 24 अप्रैल 2023 को जारी आदेश का हवाला दिया है। IOA ने WFI से सभी दस्तावेज खातों और विदेश में होने वाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भेजे जाने वाली एंट्री का लॉगिन वेबसाइट संचालन तत्काल सौंपने को कहा है। बता दें कि खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव घोषित कर दिए थे। खेल मंत्रालय ने IOA की अस्थायी समिति को महासंघ के चुनाव कराने और उसके संचालन का जिम्मा भी सौंप दिया था। IOA ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान पदाधिकारियों की अब महासंघ के किसी भी काम में कोई भूमिका नहीं होगी। बयान में ये भी कहा गया है कि तदर्थ समिति ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि IOA की ओर से नियुक्त तदर्थ समिति खेल संहिता के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघ के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाएंगी। तदर्थ समिति के अस्तित्व में आने के साथ ही WFI के निवर्तमान पदाधिकारियों के महासंघ के किसी भी काम प्रशासनिक आर्थिक मामलों या अन्य में कोई भूमिका नहीं होगी। IOA ने ये भी कहा है कि WFI के निवर्तमान पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वेबसाइट प्रबंधन वित्तीय साधनों अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए प्रविष्टियां करने के लिए लॉगिन वितरण आदि समेत सभी आधिकारिक दस्तावेजों को तत्काल तदर्थ समिति को सौंप दें।